तो फाइनली दोस्तों यार आपका भाई ना गली के अंदर आ गया। और यार ये दोनों वही भाई है जोन से ना हमेशा हमसे कबूतर ले जाते हैं, पता नहीं ये बहाने लगाते क्या। आज का कबूतर ना मैंने आपको नहीं देना, सच में कह रहा हूँ यार। ये मैंने बड़ी मेहनत से पकड़ा, वीडियो जाके देख लेना, मेरे पसीने निकल गए थे, झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बड़ी मेहनत से ये पिजन पकड़ा था। अब बताओ ये लेना या नहीं? ये लेना है हमारा। आप बताओ ना इसकी निशानियाँ वगैरह यार कुछ तो बताओ। काल नौका है, वाइट आइज है और ना सर के ऊपर ना ब्लैक हंड्स हेड्स है। तो भाई बता रहे हैं इसके ब्लैक हेड्स नहीं ब्राउन हेड है, छोटे छोटे निशान कह रहे हैं ना भाई साहब, वो तो ब्राउन है। ये तो हमने गलत बताई, बाकी ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा मैं भी। सच्ची सच्ची बताना, ये आपका ही है ना? अंडे उतारे हैं, आप हमारे साथ चल के देख भी लो। यार ये मेल है या फीमेल? ये मेल है। मेल है तो इसने किस तरह अंडे उतार दिए ऐसे? यार ये झूठ बोली जा रहे हैं, कह रहे हैं हमारा कबूतर है। इसके साथ हमने फीमेल लगाई, फीमेल लगाई है, पूरा जोड़ा है। तो यार ये देखिए, आप पहले बता रहे थे इसने अंडे उतारे भाई, ये तो मेल था, अब कह रहे इसके साथ फीमेल लगाई है। और दोस्तों साथ ही ना अफान भाई भी आ गया। यार ये देखिए, ये आज जो उनसे हमारे मोहल्ले के मलिक है ना, ये जो मलिक होते हैं, ये लोग ना यार ये फिर कबूतर मांगने आ गया जो उनसे हमने पकड़ा। इनको हर बार ले जाते हैं। हाँ यार यही होता है, मैं ना इनको इसलिए दे देता हूँ, ये हमारे दोस्त भी है, लेकिन हमारे घर वाले भी नहीं मानते होते, कहते कोई कबूतर मांगने आया ना तो उसको लाजमी देना है, ये ना आपका लड़ाई झगड़ा हो, जिसकी वजह से यार आज ना हमने दिल कर रहा है इसको ना पिजन दे ही दे। तो फाइनली दोस्तों यार मेरे घर वालों ने भी कह दिया ये पिजन जिसका है ना उसको दे दो। तो यार ये आपको शो करवाता है, चलो माशाल्लाह से पिजन तो बहुत प्यारा था, देने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन भाई ने कहा यार हमारी इसकी ना जो उनकी बीवी है उसने अंडे दिए हुए हैं, तो फाइनली यार ये पकड़ लो अपना पिजन। जो उनका यार इस भाई का पिजन आया था ना हमने दे दिया, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, जिसका पिजन आया था ना उसको दे दिया। थैंक यू मेहरबानी। ओके यार भाई ने हमारे साथ शुक्रिया भी कर लिया, बस अब यार घर जाओ, आइंदा से कबूतर आया ना हमने नहीं देना, जो मर्जी हो जाए भाई। यार ये देखिए अब हमने भाई कह दिया कि आगे से कबूतर आया ना हमने बिल्कुल नहीं देना। तो आपका भाई यार कबूतर भी देकर आ गया, आपके भाई ने कोई झूठ नहीं बोला, कोई स्क्रिप्टेड नहीं बनाया कि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे ये करेंगे, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया, हमने पिजन दे दिया। वैसे भी मैंने आपको बताया कि आपके भाई ने झूठ नहीं बोलना वीडियो के अंदर, बहुत से लोग हैं वीडियोस की खाती यार झूठ बोलते, लेकिन आपके भाई ने बिल्कुल नहीं बोला। आप क्या कहते हैं अपनी ना प्यारी प्यारी जल्दी से मुर्गियां छोड़ देते, आज भैया इनको छोड़ दिया, अब जो उनसे हमारे बाकी पिजन है ना उनको भी छोड़ देते, क्योंकि यार वो बेचारों को मैंने सुबह का बंद किया हुआ, पता नहीं भूखे प्यासे होंगे। आ जाओ भाई यार जल्दी जल्दी आ जाओ, वो तेरी खैर ये देखिए यार ये हमारे कबूतरों के डरबे के अंदर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो भाई साहब सेटअप पर आते ही यार मुझे सबसे ज़्यादा बैड न्यूज़ ये मिली कि यार हमारी ब्लैकी ने यार आज बहुत बुरी हरकत की है। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो देखे जिस तरह अपना मुँह खोल रही है ना, मुझे लग रहा है यार इसे ना कोई मसला ना बन जाए, क्योंकि यार तकरीबन ना आपने यकीन नहीं करना 2 से 2.5 किलो ना गंदम के दाने थे जोंत से ना इस जालिम ने खा लिए हैं। शुक्र कर इसने पानी नहीं पी लिया, वरना अब तक इसने अल्लाह ताला के पास पहुंच ही होना था। देखिए यार ये सारा गट्टू मेरा ना आधा दानों का भरा हुआ था, मैंने ना गर्मी का करके इसके नीचे रखा था, तो इस जालिम ने क्या किया वो देखे, वो बाल्टी से भी आगे चारपाई की और सारा खा गया। मैं यार परेशान हो गया इसने क्यों किया इस तरह, वो देखे अब किस तरह मुंह खोली जा रही है यार अपना बार बार, मुझे यार डर लग गया, बस अल्लाह ताला के सुपुर्द है अब हमारी ब्लैकी को कुछ हो ना जाए यार, यकीन जानिए बहुत ज़्यादा डर हो रहा है यार, ना तो इसको पानी पिलाना, पानी वाली बाल्टी भी शुक्र करे नीचे पड़ी है, इसने अभी तक पानी का मुँह नहीं लगाया, वरना गंदम के बाद ये बहुत पानी पीती है। जल्दी जल्दी बाल्टी भी साइड पर कर देते हैं। तो भाई साहब बाहर चलो, चलो भैया एक ये रह गई फीमेल, चलो चलो तुम भी चलो बाहर जल्दी करो। चलो यार हमने अपने सारे कबूतर भाई निकाल दिया, अब इनको थोड़ा सा उड़ाते हैं। ये चेक करे माशाल्लाह से यार ये वाले पिजन मैंने इधर सारे छोड़ दिए, जो उनका नया पिजन था वो गया चले, पता नहीं अभी यार उन लोगों का है भी था या नहीं, वो तो कह रहा था मेरे साथ घर चले जाओ यार, उसने अंडे भी दिए। चलो यार अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि उनका है भी है नहीं, जो भी था ना 100-150 का कबूतर था मैंने उनको दे दिया। आ जाओ इधर चेक करो भाई साहब, इधर चेक करो, एक मिनट नीचे उतर जा, नीचे आ जाओ ऊपर आ जाओ, देखना भाई साहब अभी कोई ना मुर्गी छलांग लगाएगी, इधर चेक करे, मेरा हाथ ना काबू में नहीं दे रहा, वो देखो यार फौरन से उठा कर रहेगी। चलो भाई यार मैंने इधर रोटियाँ वगैरह भी भोकर डाल दी हैं, अभी इन लोगों ने देखना भाई चटम कर जानी है सारी, ये भी ना साथ ही रख देते हैं, जो उनका ब्रिक ब्रिक दाना पानी होगा ना वो भी सारा खा देंगे। आज मुझे लग रहा है यार हमारी ना मुर्गी ने अंडा दिया, आपको चेक करवा दो, इधर चेक करो यार मिट्टी के अंदर अंडे दबाए हुए हैं, ये पक्का ना गुना फॉल करती है इस तरह, नहीं भाई ये लगता है अभी अभी दिया, गर्मा गर्म अंडा है, गर्मा गर्म पहले अक्सर पड़े होते हैं ना इधर वो सारे ठंडे होते, लेकिन भाई साहब ये गर्मा गर्म अंडा है,
ये लग रहा है किसी मुर्गी ने ना अभी अभी दिया, जाते वक्त ना इसको मैं घर ले जाऊंगा, ये मैंने इधर रख दिया। और माशाल्लाह से यार ये देखिए हमारे लटीनो ना काफी ज्यादा एक्टिव है। बता दो आप लोगों ने अंडे देने या नहीं, वरना मैं आप लोगों को बाजार बेच जाऊंगा। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना, मैंने इनको बाजार बेचा ना। जालिम अंडे ही नहीं देते, पता नहीं क्या वजह यार, इतनी ज्यादा डाइट देते। इनका सीजन भी आया था जब ये ब्रीड वगैरह करते हैं सर्दियों का, तब भी नहीं लोगों ने अंडे दे। और माशाल्लाह से यार आपके भाई ने ना मास्टर गेज के अंदर अच्छे तरीके से पानी लगा दी। इधर चेक करें, वो साइडों से इसलिए गीला किया क्योंकि हमारी मुर्गियां ना ये साइडों पर ज्यादा बैठती है, सेंटर में नहीं। और इधर हमारी मुर्गियों को पानी भी ताज़ा डाल दिया। हमारी डकना यार नहा रही थी, और माशाल्लाह से इनकी सेहत देखिए यार कितनी कितनी बड़ी होगी। और यार आपने कमेंट में लाजमी बताना अगर हो सके कि यार ये कूड़ को बैठती है नहीं, जिस तरह हमारी ये वाली मुर्गी बैठी थी ना। मुझे लग रहा है शायद ये डक्स भी बैठती है और अंडों में से बच्चे निकालती है। आपने लाजमी बताना कि ये कूड़ को बरना बैठती है नहीं। माशाल्लाह से देखिए हमारी मुर्गियाँ ना बिल्कुल एक्टिव है। चिंटू देखिए यार हमारा ना कितना ज़्यादा खुश है, उधर चेक करें मट्टी के अंदर। और आपके भाई को यार पसीना देखे कितना ज़्यादा आ रहा है। इधर मैं खड़ा होकर ना अपनी साथ साथ वीडियो एडिट कर रहा हूँ। आप लोगों की यार मेरी वीडियो अच्छी लगी, लेकिन यार आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, आपकी मर्जी यार। लेकिन मैं भी ना हिम्मत नहीं हारूंगा, इंशाल्लाह मेहनत करता रहूंगा। मेरा भी यार ड्रीम है कि मैं भी ना एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूं। अगर यार आप सब सपोर्ट करेंगे ना तो तभी ये मुमकिन है कि मैं भी एक बड़ा यूट्यूबर बनूं। तो अपनी वीडियो को करते रहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल इसरार के जू को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अभी के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।